और आज आप प्रेस क्लब में हैं, तमाम मुद्दे हैं जिन पर मीडिया के साथी आपसे बात करेंगे। किसान संघर्ष यात्रा, आम आदमी पार्टी के विधायकों को चुनाव आयोग द्वारा डिस्क्वालीफाई घोषित किया जाना, उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा उनके पक्ष में निर्णय आना और पुनः मामला चुनाव आयोग के दायरे में जाना, चुनाव आयोग में बदली हुई परिस्थितियां, चुनाव आयोग में भी बदली हुई परिस्थितियां। चार दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे कार्यक्रम में थे और बहुत सारे विषयों पर उनसे बात हुई। इसके अलावा भी अन्य तमाम मुद्दे हैं। हम आपसे एक आग्रह, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हुए एक आग्रह आपसे और करेंगे कि हम इंदौर प्रेस क्लब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को इंदौर में निमंत्रित कर, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किए हैं उसके बारे में एक संवाद करवाना चाहते हैं, तो उसमें आप हमारे लिए मददगार साबित होंगे। मैं आपका और आलोक भाई का इंदौर प्रेस क्लब में स्वागत करता हूं और पहले आप अपनी बात कहेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर का सत्र। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल देश ने प्रधानमंत्री जी के उपवास को देखा। प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने ही देश की दूसरी पार्टियों के खिलाफ उपवास रखा, और ये उपवास कहीं ना कहीं लोकतंत्र का उपहास भी है और इस बात का भी संकेत है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में यही हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान से कहा था जिन लोगों की धरना प्रदर्शन आंदोलन में स्पेशलिटी है उनको वो काम दे दीजिए और जिनकी सत्ता चलाने में स्पेशलिटी है उनको वो काम दे दीजिए, और अपने लिए उन्होंने सरकार मांगी थी, केजरीवाल जी के लिए धरना प्रदर्शन का काम मांगा। आप सारे लोगों को याद है, बहुत आलोचना की थी बीजेपी। तो मुझे लगता है कि इस उपवास के माध्यम से देश की जनता से प्रधानमंत्री जी वनवास मांग रहे हैं, अब वो उपवास करके वनवास में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि संसद चलाने की प्रमुख जिम्मेदारी सरकार की होती है, और विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो इसने भी सरकार और संसद के सामने रोड़े अटकाए और तब कहा कि ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। आज संसद को मजाक में तब्दील कर दिया गया, यानी मैं राज्यसभा के सांसद के तौर पर ये कह सकता हूं कि शुरुआत में तो दो दो घंटे तीन तीन घंटे संसद स्थगित हुई, बाद में तो सीधे हमारे सभापति महोदय दूसरे दिन के लिए संसद स्थगित कर देते, बैठे आपने कोई बात की संसद स्थगित दूसरे दिन की, तो आपने संसद को मजाक में तब्दील कर दिया। कावेरी का मसला आप हल नहीं करते, टीडीपी से किए गए आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा आप पूरा नहीं करते, दिल्ली में व्यापारियों की सीलिंग कराते हैं, किसी भी मुद्दे पे पार्लियामेंट पे बात सुनते नहीं है, कोई भी बहस कराना नहीं चाहते, नीरव मोदी पे, राफेल के भ्रष्टाचार पे किसी मुद्दे पे बात नहीं कराना चाहते, और अगर उसके कारण से संसद में कोई हंगामा होता है तो आप उपवास कर रहे हैं। ये काम है सरकार का क्या? आपका काम है संवाद कीजिए, विपक्षी पार्टियों के साथ बातचीत कीजिए, जिन पार्टियों से और जिस वर्ग से आपने जो वादा किया उसको पूरा कीजिए, देश की जनता को गुमराह मत कीजिए। आपने बहुत गुमराह किया चार वर्षों में। एक तो ये केंद्र से जुड़ा हुआ जो विषय इस समय सामने आया है, दूसरा दो घटनाएं हुई हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक कठुआ कांड, जिसमें कठुआ कांड के अंदर एक 8 साल की बच्ची के साथ जिस दरिंदगी का परिचय दिया गया और जिस प्रकार से न्याय के लिए ठोकरें खानी पड़ी इसके परिवार को, और तो और
बलात्कारियों के पक्ष में बाकायदा प्रदर्शन हो रहा है, एक 8 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना हुई और उस घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के बजाय बलात्कारियों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री शामिल हो गए। और देखिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले लोगों की सरकार में आज भी वो मंत्री हैं, अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी बाबा की सरकार चल रही है, वहां पर एक विधायक पे बलात्कार का आरोप लगता है, पूरी की पूरी सरकार उसको बचाने में लगी। अब सीबीआई को मामला गया, जब चारों तरफ से फटकार पड़ी, कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाके आज सुबह गिरफ्तारी हुई। तो ये बेटियों के लिए जिस प्रकार का वैसीपन और उस वैसीपन को समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज महिला आयोग की अध्यक्ष दिल्ली की स्वाति मालीवाल आमरण अनशन पर राजघाट पर बैठ रही हैं इन्हीं मामलों को लेकर, और मुझे लगता है कि देश के अंदर सख्त कानून बनाने के बजाय त्वरित न्याय की व्यवस्था जब तक नहीं होगी बलात्कार की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी, क्योंकि अपराधी को डर ही नहीं है, सालों साल मामला चलता रहता है, फिर गवाह के अभाव में सबूत के अभाव में वो बच के निकल जाता है। तो इसलिए जब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन नहीं होगा बलात्कार के मामलों के लिए और एक सीमा समय सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी न्याय की, तब तक ऐसी दरिंदगी की वहसीपन की घटनाओं पर देश के रोक नहीं लगेगी। पूरा देश सरसार होता है, ऐसी घटनाओं को पूरी दुनिया की मीडिया प्रचारित करती है और लिखती है कि भारत में 8-8 साल की बच्चियों के साथ इस तरह से रेप की और ऐसी घटनाएं हो। तो मुझे लगता है कि खाली बातों से नहीं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि बेटों को घर से रात में निकलने देते हो, बेटियों को रोकते हो, तो प्रधानमंत्री जी को बलात्कार के मामलों में न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और सजा जल्द से जल्द का प्रावधान बनाने का एक कानून इस देश में करना चाहिए। मध्य प्रदेश जहां आज मैं किसान संघर्ष यात्रा की शुरुआत के लिए आया हूं, 14 मई तक ये यात्रा चलेगी, मध्य प्रदेश के लगभग सभी विधानसभाओं में यात्रा पहुंचेगी और फिर एक 14 मई के बाद लगभग एक महीना आज से शुरुआत होकर लगभग एक महीने यात्रा चलेगी और जब ये एक माह पूरा हो जाएगा उसके बाद भोपाल में एक अनवरत आंदोलन, एक अनिश्चितकालीन एक आंदोलन आम आदमी पार्टी की ओर से चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश कई प्रकार के संकट से जूझ रहा है और जब शिवराज सिंह जी बाबाओं की शरण में चले गए हैं तो इसका मतलब कि अब उनका जंगल में जाने का टाइम आ गया है, अब वो जाकर धुनी ही रमाएंगे, कंप्यूटर बाबा प्रिंटर बाबा तमाम बाबाओं को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया जा रहा है, कोई गेस्ट हाउस में धुनी जमा रहा है, कोई चाबी बंद करके लेके चला जा रहा है। तो ये बाबाओं से देश बहुत परेशान हो चुका है। एक हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी आ गए हैं, अब वो बाबा जी नहीं है, वो महाराज हैं। आलोक भाई आज कह रहे थे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, हमारे यहां तो यूपी में अभी महाराज है, योगी बाबा महाराज उनको लोग कहते हैं। और जब वो एप्लीकेशन देने लोग उनके पास जाते हैं तो कुर्सी पे बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी वाले पीछे से पकड़े रहते हैं, अगर आपका आवेदन उनको समझ में आया तो ठीक, ज्यादा बहस की तो उठा के फेंक दिया। ये महाराज और बाबा और इन लोगों के भरोसे देश चलेगा? तो कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को नफरत की बुनियाद पर बनाना चाहती है, वास्तविक मुद्दों पर उनका कोई ध्यान नहीं है, बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, अपराध के नियंत्रण पे,
महिला के सुरक्षा पे, कुपोषण के मामले में हर दृष्टि से मध्य प्रदेश को उठाकर देख लीजिए, शिवराज सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश को लगातार पीछे धकेलने का काम किया। आज मध्य प्रदेश से 3 गुना ज्यादा सस्ते दामों में दिल्ली जैसे राज्य में बिजली हम लोग दे रहे हैं, जहां पर कि बिजली का उत्पादन नहीं होता। 20,000 लीटर पानी मुफ्त हम देने का काम कर रहे हैं दिल्ली में। तो जो हमारा दिल्ली सरकार का मॉडल है, खासतौर से जिसकी चर्चा भी अध्यक्ष जी कर रहे थे, एजुकेशन का और हेल्थ का, मोहल्ला क्लिनिक का और सरकारी स्कूलों में जिस तरह से हमने स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच हमने मुफ्त कराई है, हमने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम दिल्ली में किया, अनेकों काम, आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुना की, गेस्ट टीचर की तनख्वाह दोगुना की, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन दोगुना की, इतने सारे काम करने के बावजूद भी दिल्ली की सरकार ने मुनाफे का बजट दिया, घाटे का बजट नहीं दिया। तो इसका मतलब लोकतंत्र के अंदर सरकार का काम क्या है और चुनाव का काम क्या है। चुनाव का काम यह है कि एक सरकार चुनकर जाए जो जनता से किए गए वादों को पूरा करे। हमारा इसी प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा था जब हम 2012 की राजनीति में आए थे। आज मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, कैसे आपकी सरकार बनेगी, कैसे आपकी पार्टी चलेगी, क्या है आपका। तो मैं उनको याद दिलाता हूं कि 2012 में हमको 4 आदमी पार्टी कहते थे और हमने 13 में सरकार बनाई, 15 में फिर सरकार बनाई। तो मध्य प्रदेश में हमारे लिए प्रबल संभावना इसलिए है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों परंपरागत पार्टियों से जनता उठ चुकी है। हम एक दिल्ली का मॉडल लेकर, दिल्ली में जो हमारा विकास का मॉडल है, जो दिल्ली में हमारा काम का मॉडल है, उस मॉडल को लेकर हम मध्य प्रदेश के गांव गांव तक जाएंगे। किसान को हमने 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया है, जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि दी है, ऐसी तमाम योजनाएं जो हमने दिल्ली में लागू की है वो यहाँ पर, प्राइवेट स्कूलों की लूट पर हमने रोक लगाया है, प्राइवेट स्कूलों से अभिभावकों की जो फीस थी, बच्चों की जो ज्यादा फीस वसूली गई थी उसको वापस करने का काम कराया है। ये आपको कहीं और उदाहरण नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ एक ईमानदार नेतृत्व, एक समर्पित नेता, एक समाज के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने का जज्बा रखने वाले, 30 दिनों तक जल सत्याग्रह करके अपने चमड़ियों को गलाने वाले आलोक अग्रवाल जी जैसे नेता के नेतृत्व में हम लोग मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ईमानदार और साफ सुथरे नेता भी हमारे पास है और एक दिल्ली की सरकार का मॉडल भी है, एक योजना, एक कार्यक्रम भी हमारे पास है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, इसकी घोषणा खुद केजरीवाल जी ने की थी, तो एक अच्छा प्रदर्शन और अच्छा परिणाम मध्य प्रदेश की जनता हम लोग को दी। मैं सिर्फ 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो जो हमने पिछले दिनों प्रारंभ किया है, परसों से 8 तारीख से हम लोगों ने अपनी प्रत्याशियों के आवेदन बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हमने उसका एक डिटेल्ड फॉर्म अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है जिसमें हम प्रत्याशियों के बारे में उनकी पूरी जानकारी ले रहे हैं, उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड ले रहे हैं, उनका सामाजिक कार्य क्या किया है वो ले रहे हैं, साथ ही साथ उसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी हमने रखा है। हमारा मानना है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सदन है और उस सर्वोच्च सदन में योग्य व्यक्ति जो 8 करोड़ जनता के लिए निर्णय ले रहे हैं वो व्यक्ति होने चाहिए। पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं हुई वो बहुत ही हमारे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। भिंड में एक बच्चे की मौत होती है और हमारे एक मंत्री कहते हैं कि वो मान नहीं सकता बच्चे की मौत हुई है, वो तो भीख मांगकर भी जिंदा रह सकता है। या हमारे 4 बाबा उठ के कहते हैं कि हम 6 करोड़ पौधों का घोटाला निकालेंगे तो उनको राज्य मंत्री बना दिया जाता है। एक तरफ शिवराज सिंह डरते हैं क्योंकि असल में घोटाला हुआ था, दूसरी तरफ वो बाबा ढोंगी है, इससे सिद्ध होता है कि एक दिन पहले जो कह रहे थे कि 6 करोड़ का घोटाला निकालेंगे, अगले दिन वो जाकर राज्य मंत्री बनकर सरकारी गेस्ट हाउस के ऊपर धुनी रवाना। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है
कि आज सन 2018 में जहां दुनिया इतनी दूर पहुंच चुकी है, वहां आज मध्य प्रदेश में 70% बच्चों में खून की कमी, 45% बच्चे कुपोषित, 92 बच्चे रोज मरते हैं कुपोषण के कारण, 5 किसान रोज आत्महत्या करता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, जबकि मध्य प्रदेश में बिजली सरप्लस है। हमारे यहाँ 18,000 मेगावाट बिजली उपलब्ध है और हमारी मांग सिर्फ 8,000 मेगावाट, पीक डिमांड भी हमारी 11,000 मेगावाट है, उसके बावजूद सबसे महंगी बिजली है, 3 गुना महंगी है दिल्ली से। दिल्ली में एक भी यूनिट पैदा नहीं होती, दिल्ली हमसे खरीदता है मध्य प्रदेश। और एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा जो पिछले दिन आया है कि 40 लाख घरों में अभी तक मध्य प्रदेश में बिजली नहीं। पानी की बात लीजिए तो 1/3 मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर से ज्यादा लोगों को जाकर पानी पैदल लेके आना पड़ता है। क्या स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं? पिछली बार यात्रा पे था गांव में, मैंने पूछा, उन्होंने कहा सर पे पानी लेके आते हैं, पीने का पानी ले आए तो बहुत बड़ी बात है। तो पानी हो, बिजली हो, शिक्षा की हालत यह है कि पिछले 2 साल में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए सरकारी स्कूल। दिल्ली में हम नए 250 स्कूल बना रहे हैं, 8,000 कमरे जोड़ लिए, यहाँ पर हजारों स्कूल बंद कर दिए गए, 48% रिजल्ट आ रहा है, दिल्ली में 90% रिजल्ट आ रहा है। स्वास्थ्य की बात लीजिए तो अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई है विधानसभा में, जिसमें कहा गया है कि हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जितने होने चाहिए उसमें 46% कम है, और जो 54% है उसमें भी आधे में डॉक्टर नहीं है, और उसके ऊपर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य के, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, उसमें 90% में डॉक्टर नहीं है। भयावह स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर है, इसको बदलना होगा। और जो संजय जी अभी बोल रहे थे कि जो दिल्ली में हुआ, अगर आप दिल्ली और मध्य प्रदेश की तुलना करें तो आप बिल्कुल चकित हो जाएंगे। यहाँ पर 300 रुपए विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, वो भी नहीं मिलती है अगर आप पता करें, वहाँ 2,500 मिलती है। यहाँ पर 150-200 रुपए अतिथि शिक्षक को मिलते हैं, पता नहीं शिवराज सिंह जी ने घोषणा तो की है, वो कब लागू होगी, कब मिलेगा। दिल्ली में 33,000 रुपए महीना मिलता है। तो हमारा कहना है कि उस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इसलिए मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया है, हमने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आज से किसान बचाओ मध्य प्रदेश बचाओ यात्रा निकलेगी, पिपलिया मंडी से चालू हो रही, सभी विधानसभा में यात्रा जाएगी। मध्य प्रदेश में 65,000 बूथ हैं और 42,000 पोलिंग सेंटर, 10 मई तक हम ये 42,000 पोलिंग सेंटर पर अपने प्रभारी नियुक्त कर देंगे, ये हमारा लक्ष्य है। इसके साथ एक और अनूठा कार्यक्रम हमने आज से चालू किया, अभी वहीं से आ रहे हैं, पोहा चौपाल। हम पूरे प्रदेश में पोहा चौपाल लगाएंगे। पिछले साल में जब मैंने मध्य प्रदेश के किसान बचाओ यात्रा में 10,000 किलोमीटर की यात्रा की थी और हर जिले में गया, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, पहली बार मैंने पूरा मध्य प्रदेश मापा कि एक चीज थी जो मध्य प्रदेश के हर कोने में मिल जाती है और वो है पोहा। हर चीज है, आप निमाड़ हो, मालवा हो, बुंदेलखंड हो, बघेलखंड हो, चंबल हो, हर जगह पोहा मिल जाता है। तो हमने कहा चलिए अब इस पोहे को ऊपर ही चौपाल की जाए, इस पर चर्चा की जाए। हम गाँव गाँव शहर शहर मोहल्ले में ये पोहा चौपाल लाएंगे और जहाँ पोहा मिलता है वहां पर भी जाकर हम चर्चा करेंगे, आम जनता को जोड़ेंगे। एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, हम लोगों का एक बहुत बड़ा विशेषज्ञों का 30 सदस्यीय दल बना है जो मध्य प्रदेश के एक एक मुद्दों के बारे में पूरी रिसर्च कर रहा है। इस दल में मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल हैं, इस दल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट शामिल हैं। थोड़ी दिनों बाद हम उसको पूरा उसका पहला प्रारूप आएगा उसके साथ आएंगे, वो जो एक ब्लू प्रिंट बना रहे हैं उसको हम लोगों को लेकर जाएंगे। पोहा चौपाल से हमारे पास जो फीडबैक आएगा उसको हम उसमें शामिल करेंगे और शामिल करने के बाद फिर से एक बार जनसंवाद का कार्यक्रम करके हमारा मैनिफेस्टो आएगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बहुत गांव-गांव घूम रहा हूँ मैं, कि लोग भाजपा से त्रस्त हैं, कांग्रेस को लाना नहीं चाहते, विकल्प चाहते हैं। निश्चित रूप से 2018 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के रूप में आम आदमी का एक विकल्प मिलेगा। धन्यवाद। संजय जी, 2-3 प्रश्न जुड़े हैं। एक तो आपने दिल्ली मॉडल की बात कही है, क्या वो दिल्ली मॉडल का प्रारूप ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के सामने किसी वरिष्ठ अधिकारी की पिटाई की जाए? क्या उसका प्रारूप ये होगा कि आपके मुख्यमंत्री कभी खुदा ना खासा आपकी सरकार बन जाए तो राज्यपाल से झगड़ा करते रहेंगे 4-5 साल? क्या उसका प्रारूप ये होगा कि आपके मुख्यमंत्री
अनर्गल बयान देते हैं और बाद में सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हैं जब उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो जाता है, थोड़ा सा बता दो। पहली बात तो जहां तक मारपीट की घटना का सवाल है, उसको कई बार हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं, फिर से कह रहे हैं, अभी सीएजी की रिपोर्ट में भी वो बात सामने आई। दिल्ली में राशन के मामले को लेकर चौंकाने वाली स्थिति है, यानी राशन के मामले को ठीक करने के लिए, होम डिलीवरी करने के लिए हर आदमी को उसके घर में राशन पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही थी, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे थे, रात की मीटिंग उसी कारण को लेकर थी और उसमें हॉट टॉक जरूर हुई है, मारपीट नहीं हुई है, नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा राज्यपाल से, अगर लोकतंत्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार राशन की होम डिलीवरी नहीं कर सकती है, इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, तमाम सर्टिफिकेट, यानी 40 सेवाओं को होम डिलीवरी का हम दूसरा एक कार्यक्रम लेके आते हैं, उस पर राज्यपाल रोक लगाते हैं, हम एजुकेशन के लिए स्कूल बनाने के लिए जमीन मांगते हैं, उस पर रोक लगाते हैं, हमने 14 बिल पास करके भेजे हैं जनता के हित में, नगर स्वराज बिल से लेके तमाम बिल, उस पर रोक लगाते हैं, तो क्या राज्यपाल के खिलाफ बोलना नहीं पड़ेगा, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठानी पड़ेगी? राज्यपाल कौन से महाराजा है इस देश के, कहां से उनको इतने अधिकार मिल गए कि चुनी हुई सरकार के जनहित के कामों को रोक दे? किसने उनको अधिकार दे दिया? आप हमारा, हमने कोई गलती की आप बिल्कुल रोकिए, लेकिन जरा मुझे समझा दीजिए आप, या देश के लोगों को ही समझा दीजिए, आप बड़े बुद्धिमान है तो, कि भाई होम डिलीवरी राशन की क्यों नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन के लिए, स्कूल के लिए हमको मोहल्ला क्लिनिक के लिए जमीन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप समझा दीजिए, हम राज्यपाल से गलत लड़ रहे हैं हम मान लेंगे, हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इन बातों को गलत ढंग से आप जब, आप अंशु प्रकाश के मामले की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां का डीजीपी कह रहा है माननीय विधायक जी जिन पे बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, वहां कोई कैंडल मार्च नहीं हो रहा है, न्याय दिलाने के लिए एक 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 महिला वो दर दर ठोकर खा रही है, उसको न्याय नहीं दे। तो कुल मिलाकर हमारी सरकार को पहले दिन से दुर्भावना का शिकार होना पड़ रहा है और केंद्र में बैठी हुई सरकार लगातार हमारे कामों में रोड़े अटका रही है। ये एक नहीं अनेक घटनाएं मैं आपको बता सकता हूं और उसका कोई भी जवाब, कोई भी समझदारी का जवाब ना राज्यपाल के पास है और ना मोदी जी के पास। आपके मुख्यमंत्री तो माफी मांग रहे हैं, जेटली साहब से, क्या साहब गलत बयान दे दिया हमने। ऐसा है, हमने अपने काम की चर्चा की, आप उस चर्चा को माफी पे लेके आ रहे हैं। आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकारों, दिल्ली की चुनी हुई सरकारों के जो पिछले शीला दीक्षित के कार्यकाल रहे हो या मदन लाल खुराना के या अरविंद केजरीवाल, सबसे बेहतरीन काम हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में कोई सरकार करके दिखा रही है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार करके दिखा रही है। अब उन्होंने अपने आप को दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए, कुछ मुकदमे के झंझटों से फुर्सत पाने के लिए कोई निर्णय लिया है, उसकी बार बार चर्चा करना मैं समझता हूँ। मध्य प्रदेश में लगातार जो आप पार्टी के कार्यकर्ता उनमें नाराजगी है, कहीं ना कहीं लगातार वो विरोध भी जता चुके हैं, चाहे मनीष सिसोदिया जी आए थे उस समय इंदौर में जब उनका विरोध झलक के आया सामने, या कई मंच से वो इस बात को बोल चुके हैं, कई कार्यकर्ता छोड़ चुके हैं, तो इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी में ऐसी घटनाएं आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, उसकी वजह यह है कि इंटरनल डेमोक्रेसी जहां होगी, जहां लोकतंत्र होगा, वहां पर अपने मत का विरोध दर्ज कराने की छूट होगी। जहां लोकतंत्र नहीं होगा, एक तरफा बात चलेगी, वहां पे अपना मत आप प्रकट करने की छूट नहीं होगी आपको। तो इस तरह के रिफ्ट आपको कई बार दिखेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि 5 साल में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, हमने 2 बार सरकार दिल्ली में बनाई, हम पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी बन के आए, हम गोवा में 6% वोट लेके आए, 4 हमारे लोकसभा सांसद हैं, 3 राज्यसभा के हैं, 49 हमारे पार्षद हैं। मेरे ख्याल से
मैं नहीं कह रहा कि 100% अच्छाइयां हमारे अंदर है, कमियां है, हम उसको समय समय पर ठीक भी करेंगे और कर भी रहे हैं, हम अपने कमियों से सीखते भी हैं, उसको सुधारते भी हैं, लेकिन इस प्रकार की आवाजें भविष्य में भी सुनने को मिलेंगी। अजय भाई, दो राणा जी, ये आप कुमार विश्वास को धो रहे हैं या कुमार विश्वास पूरी पार्टी को लेके अपने शरीर पे चले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरा प्रश्न ये है कि अन्ना को आप कांग्रेस का एजेंट मानते हैं बीजेपी? अन्ना जी स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं और उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका अपने गांव से लेकर और देश के लिए रहा है। समय समय पर अपने आंदोलनों के जरिए बहुत सारे कानून उन्होंने महाराष्ट्र में जनहित में बनवाए और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ देश को खड़ा किया। उनको कांग्रेस का एजेंट कहना या उनको बीजेपी का एजेंट कहना ये अन्ना जी का अपमान है, ऐसा मैं मानता हूं। और उन्होंने जब भी अपना आंदोलन किया है वो अपनी मांगों के समर्थन में और जनहित में किया है। जहां तक कुमार विश्वास जी का प्रश्न है, उनमें मेरा ये अपना खुद का निर्णय है कि मैं मीडिया में उनके संबंध में कोई बातचीत नहीं करता। नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए था कि अभी जो राज्यसभा में गुप्ता बंधुओं को मेहरबानी हुई आम आदमी पार्टी की, उस पे भी विश्वास खूब बोले हैं, और अन्ना को यदि आप किसी का एजेंट मानते तो दूसरी बात है आंदोलन में आप साथ क्यों नहीं रहे? उसमें तो उनका खुद का निर्णय था, ये तो अन्ना जी ने खुद कहा था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को हम इसमें शामिल नहीं होने देंगे। और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, तो जो आंदोलन चलाता है उसकी बात तो माननी पड़ेगी आपको। दो मामलों ने अभी पूरे मुल्क को झकझोर के रखा हुआ है, एक तो कठुआ में जो व्यक्ति के साथ गड़बड़ बलात्कार हुआ और दूसरा विधायक यूपी के जो है सिंह की गिरफ्तारी। क्या आपको लगता है कि विधायक गिरफ्तारी में देर हो गई? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस प्रकार का आतंक मचा रखा है, राघव लखन पाल इनका एक सांसद है सहारनपुर का, एसएसपी के घर में घुसकर उसने बवाल किया और एसएसपी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं, कि हमारे बच्चे आतंकित हो गए, उन्होंने फोन करके मुझे बुलाया कि आगे हमको बचाइए। तो जिस प्रदेश में एसएसपी सुरक्षित नहीं है भाजपा नेताओं से, जिस प्रदेश के अंदर राधा मोहन अग्रवाल ने महिला विधायक को आपने देखा होगा वीडियो कितनी बुरी तरीके से काटा, वो रोने लगी कैमरे पे वो दर्द है, तो आज यूपी के अंदर एक अराजकता का माहौल है। कोई भी बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता वो हर काम के लिए स्वतंत्र है, वो हत्या कर सकता है, मार सकता है, लूट सकता है, अधिकारी को बेइज्जत कर सकता है, उसके लिए सारा कुछ छूट है, और टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी कर सकता है, वहां स्टाफ को पीट सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। योगी बाबा का राज है, बाबाओं का राज है भाजपा, आपके यहाँ कंप्यूटर बाबा आ गए, प्रिंटर बाबा, वहां पे हमारे योगी बाबा, बाबाओं के राज में ऐसे ही चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आज उस पर भी वहा चौपाल में भी चर्चा हुई थी, तो मध्य प्रदेश में भी व्यापम में भी हमने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई, घोटाले प्रीति रघुवंशी का सुसाइड का मामला है, इसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जो भी प्रभावशाली नेताओं से, खासतौर से बीजेपी के नेताओं से जुड़े मामले हैं, उसमें कोई न्याय नहीं मिलता। और इसी के लिए आप शायद थोड़ा सा विलंब हो गया था, हम लोगों ने ये मांग किया है कि भाई एक समयबद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बलात्कार के मामलों का निपटारा होना चाहिए। एक टाइम तय कीजिए, 6 महीने, साल भर, कितने समय में न्याय मिल जाएगा? 30-30 साल लग जाते हैं, कोई न्याय नहीं होता। चौपाल के कथन पे हम बात कर रहे हैं, आई इमिटेटिंग मोदी, मोदी ने चाय पे चर्चा शुरू की थी चुनाव से पहले, आप वहां चौपाल की बात कर रहे हैं? चाय पे चर्चा हिंदुस्तान में सबसे पहले किस पार्टी ने शुरू की थी? आम आदमी पार्टी ने। मोदी जी ने हमको फॉलो किया था, आम आदमी पार्टी ने चाय पे चर्चा शुरू की, हमने पार्कों में जाके और घरों में जाके लोगों के साथ चाय पे चर्चा। अभी एक वो हमारा ज्यादा व्यापक पैमाने पे चाय में चर्चा में नहीं आ पाया, शुरुआत हमने की थी इसकी। ये पोहा चौपाल का मॉडल, ये कॉन्सेप्ट आलोक जी का खुद का है, इसमें कोई किसी का कॉपीराइट का सवाल नहीं है, मोदी जी का है, किसी और का है, ये आलोक जी का खुद का अपना एक बनाया हुआ कार्यक्रम है।
इनका कॉपीराइट है इस पे जरूर, लेकिन ये स्वतंत्र करेंगे आप दूसरों को भी करने दीजिए। देखिए मैंने यही कहा कि दुनिया के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी जो अपने ही देश की दूसरी पार्टियों के खिलाफ उपवास कर रहे हैं, और उसी उपवास के लिए इसी प्रकार के आंदोलन के लिए मोदी जी ने कहा था जो ये काम करे उनको ये काम दे दीजिए। अब उनको बनवास दे देना चाहिए देश की जनता को, वो उपवास पे बैठ गए, इसका मतलब अब उनको उपवास का काम चाहिए। उन्होंने खुद कहा था, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने 15 में खुद कहा था कि भाई जो ये धरना प्रदर्शन करते हैं इनको ये काम दे दीजिए, तो वो उपवास कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री को देश की संसद चलाने के लिए उपवास करने की जरूरत है? आज प्रधानमंत्री जी निर्णय ले ले, लोकसभा के अध्यक्ष को बुलाए और सभापति महोदय को बुलाए, राज्यसभा के सरकार बैठे तय कर दीजिए, कल से सत्र तय कर दीजिए, हम लोग बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार। एक महीने संसद चलाइए, जो एक महीने नहीं चल पाया एक महीने संसद चलाइए, और जी जिन पार्टियों की जो ग्रीवेंसेस है उनके साथ वन टू वन बात कर लीजिए, चंद्रबाबू नायडू से बात कर लीजिए, आपने वादा किया था उनको आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का, कावेरी पे बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप सारे सीलिंग पे हम लोगों से बातचीत कर लीजिए, बातचीत करके और आप परसों से शुरू कर दीजिए, कल से शुरू कर दीजिए संसद, एक महीने नहीं दो महीने चलाइए। मैं तो पहला मेंबर पार्लियामेंट हूं अपनी पार्टी के सांसदों के साथ जिसने लिखकर तीसरे दिन ही दिया, 5 अप्रैल को संसद शुरू हुई है, 8 अप्रैल को मैंने लिख के दे दिया कि अगर सदन नहीं चलता तो भत्ता नहीं मिलना चाहिए। बाद में एनडीए वालों ने भी ड्रामा किया तो ब्रह्मानंद स्वामी जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानते, हमको लेंगे भत्ता। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं। फिलहाल हम ऐसा मानते हैं कि संसद नहीं चलने देने के पीछे सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार है। त्रिपाठी जी, मध्य प्रदेश में अगर मान ली आपकी सरकार आती है तो क्या रहेगी, कौन कौन सी मांगे हम अपनी पूरी करेंगे? देखिए मध्य प्रदेश का जो घोषणा पत्र है, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने मॉडल अपनाया था कि जनता के साथ संवाद करके अलग अलग वर्ग के साथ, एजुकेशन पे मैनिफेस्टो बनना है तो एजुकेशनिस्ट जितने भी हैं सबको इकट्ठा किया, छात्रों को इकट्ठा किया, उनके साथ बैठ के एजुकेशन का मैनिफेस्टो बनाया, इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए या रोजगार की क्या योजनाएं होंगे यूथ के साथ बैठे, हेल्थ पे क्या होगा डॉक्टरों के साथ बैठे, शिक्षकों के साथ बैठे, अलग अलग वर्ग के साथ बैठ के हमने दिल्ली में मैनिफेस्टो बनाया। मध्य प्रदेश के अंदर भी अलग अलग वर्ग के साथ बैठ के उनके साथ संवाद करके मैनिफेस्टो यहाँ पे तैयार, क्योंकि मैनिफेस्टो हमारा जनता के साथ करार है। हमने पंजाब में भी इसी तरह से किया था कि लोगों से पूछ के मैनिफेस्टो। जैसे आलोक जी ने कहा कि दावेदारों का टेस्ट लिया जाएगा, तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आप लोगों ने तय की है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट या? नहीं नहीं, देखिए हमने उसमें हमारा कहना है कि आम आदमी पार्टी में परिक्रमा नहीं परीक्षा से टिकट मिले, बाकी पार्टियों में तो नेता की जितनी परिक्रमा करो उसके हिसाब से टिकट मिलता है। हम उसमें क्या क्या चीज देख रहे हैं, हम उसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन में क्या क्वालिफिकेशन, पहला तो हमारे वो 4 C's है, करप्ट नहीं होना चाहिए, गवर्नर नहीं होना चाहिए, कास्टेस नहीं होना चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सामाजिक कार्य का अनुभव क्या है उसका। फिर उसके बाद हमने जो एक टेस्ट दिया, एटीट्यूड टेस्ट दिया है, उससे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर नेतृत्व क्षमता है क्या, लोगों से आपको घुल मिल सकता है कि नहीं, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जो कोई कंपनी में किसी सीईओ को आपको रखना होता है तब तो आप बहुत देखते हैं, पर 8 करोड़ के मध्य प्रदेश की सर्वोच्च सदन में लोगों को पहुंचाना है तब देखते हैं उसके पास पैसा कितना है, उसके पास गुंडे कितने हैं, कितने लोगों को इकट्ठे वोट करके वोट देना है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा कहना है कि सर्वोच्च सदन है जो जिम्मेदार होगा इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता के लिए, उसमें हमें धूनी रमाने वाले लोग नहीं चाहिए, उसमें वो लोग नहीं चाहिए कि भूख की मौत हुई तो कह दे कि वो भीख मांग कर जिंदा रह सकता था। ऐसे लोग चाहिए कि अगर पता चले भूख की मौत हुई तो पहला काम करे कि माफी मांगे सार्वजनिक कि कैसे हो गए, और दूसरा काम कि कैसे उसको रोका जाए, उस पर काम करना चालू करें। तो इसकी वो प्रक्रिया हमने अपनाई और उसके थ्रू। लोकेश, क्या आलोक जी
सीएम कैंडिडेट के तरफ प्रोजेक्ट होंगे आपकी ओर से, और दूसरा आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो फंड रेजिंग की क्या पोजिशन होगी? कांग्रेस तो अपने उम्मीदवारों से 50,000 की डिमांड कर चुकी है, आप किस तरह से देखिए उसमें एक तो हमारे जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और जो हमारी टीम है वो बैठ के हम एक ट्रांसपेरेंट तरीका चंदा लेने का क्या हो सकता है। हमारे वित्त संयोजक यहाँ पर उपाध्याय मुकेश जी हैं, मुकेश उपाध्याय जी, तो यहाँ पे कैसे अभियान चलेगा वो हम लोग तय करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट तरीका जो आपको बताएंगे कि हम ये इस तरह से चंदा उठा लेंगे। दूसरी बात जो आपने कही मुख्यमंत्री कैंडिडेट की, तो अभी फिलहाल जो फैसला है वो मैंने आपको बताया, समय आने पर बाकी चीज भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा उसको हम कोशिश करेंगे आपके सामने। मध्य प्रदेश का चुनाव आलोक भाई के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और सारी सीटों पर लड़ा जा रहा है। स्वयं अरविंद जी भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं और मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। जब इस पर कोई निर्णय लेने की बात होगी, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने की बात होगी, तो उस पर भी समय पर फैसला करके आपको बताएं। किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे? देखिए समझौता जो यहाँ पे पार्टी है बीजेपी है कांग्रेस है उनसे कौन सा समझौता करना है, उनके खिलाफ ही हम लोग बोलते लड़ते रहे, उनके खिलाफ ही लड़ना बोलना है। तो समझौता की तो अभी जो कुछ जैसे पंजाब में पहली बार हमने किया लोक इंसाफ पार्टी, इस तरह का कोई स्थानीय दल प्रभावशाली होगा तो निश्चित रूप से बैठ के बात करेंगे हम, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ ही पूरा चुनाव हमारा। हम